अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप ही मेरी तरह कन्फ्यूज़ हैं कि दराज से स्पीमो ऑर्डर किया जाए या ना किया जाए, तो यकीन माने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मैंने दराज से ऑयल ब्रश, स्पैचुला और स्पीमो ऑर्डर किए थे। पहले हम ऑयल ब्रश और स्पैचुला की ही बात कर लेते हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं वैसे ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत कन्फ्यूज़ रहती हूँ कि पता नहीं क्या आएगा, लेकिन ये बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी थी। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप लाजमी ऑर्डर करें। अब जी हम बात करते हैं स्पीम मॉप की। तो पर्सनली तो मुझे फ्लैट मॉप ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब हमने ऑर्डर करना था तो हमें कोई भी उसका रिव्यू अच्छा नहीं मिल रहा था। बहुत से लोग कह रहे थे साइज़ छोटा है, तो बस स्पीम मॉप के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो हमने कहा कि ये ऑर्डर करके देखते हैं। अनबॉक्सिंग के बाद सबसे पहले तो हमने ये देखा कि सारी चीज़ें पूरी हैं, कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है। बकेट के अंदर ये जो स्टील का स्पिन वाला पोर्शन है ना, इसमें हमें एक इशू ये नज़र आया था कि जब हम इसे स्पिन करने लगते थे ना, तो ये इसका कोई बैलेंस नहीं रहता था। बाकी इसमें टायर भी मौजूद थे, ड्रेनेज सिस्टम भी इसमें मौजूद था। रोड्स के पार्ट को जोड़ने के बाद जो उसकी लेंथ बनी थी ना, तो जो हमारे जहन में उसकी लेंथ होती है ना कि रोड इतना लंबा होगा, उतनी लेंथ नहीं थी। लेंथ छोटी थी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं थी कि यूज़ ना हो। और रोड की क्वालिटी की बात कर ली जाए तो वो इतनी लो क्वालिटी की थी, ऐसा लग रहा था कि 10 दिन यूज़ करने के बाद इसने टूट जाना है। रोड का जौन सा पार्ट रिफिल के साथ अटैच है, जिसने इसे 360 एंगल में घुमाना होता है, उसका मैकेनिज्म भी ठीक काम नहीं था कर रहा। ऐसा लग रहा था कि ज़रा सा भी इस पर जोर डाला तो इसने टूट जाना। और ये आप प्लास्टिक की क्वालिटी तो देख ही रहे हैं कि थोड़ा सा हिलाने से भी वो मुड़ रही है। मेरा ऑर्डर वापस करने की जो मेन वजह थी ना, वो ये थी कि जो रिफ़िल का साइज़ था ना, वो देखने में तो लग रहा है बहुत बड़ा, इधर भी पिक्चर्स में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ जितना था। जितना साइज़ इन्होंने बताया होता है ना, उतना भेजा नहीं। अब इतने छोटे रिफ़िल के साथ तो एक रूम का ही पोचा लग सकता है ना, तो अगर आपने पूरा घर साफ़ करना हो फिर तो जी आपको सारा दिन लग जाएगा और आपकी सफाई ख़त्म नहीं होगी। अगर ये बात देखी जाए कि स्पीम मॉप यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अगर आपको सही ऑर्डर मिल गया, मतलब सारी चीज़ों की क्वालिटी अच्छी है, रिफ़िल का साइज़ अच्छा है, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा मॉप कोई नहीं हो सकता। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।